हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसकी जानकारी बता रहा हूँ। जो सीपैट का ऑनलाइन एप्लीकेशन था जेई 2020 के लिए, उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ गई है, संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बता दूँ जो कैंडिडेट्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट के जेई 2020 इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं DPMT, DPT और अन्य कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सीपैट के जो कोर्सेज हैं जिसकी लास्ट डेट बढ़ गई है, संबंध में आपको जानकारी दी जा रही है। जो अलग अलग कोर्सेज हैं DPMT, DPT और अन्य कोर्सेज हैं, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ गई है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो सीपैट जेई 2020-21 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एल बी अवेलेबल ऑन जो अवेलेबल हुए थे, ये 12 जनवरी 2020 को अवेलेबल हो गए थे। होस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है ये बढ़ गई है, इसकी जानकारी दी जा रही है। होस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर CBT बेस्ड JEE 2020-21 इन वेबसाइट एंड इश्यू टू द कैंडिडेट, तो 25/6/2020 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होंगे ये। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये इंक्रीज होकर 2/7/2020 2 जुलाई 2020 तक हो गई है। डेट ऑफ सीपैट ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE ऑल ओवर इंडिया, जो सीपैट का ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम होगा JEE ऑल ओवर इंडिया के लिए, 12 जुलाई 2020 को होगा। रिलीज ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन लेटर फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन एंड होस्टिंग इन वेबसाइट टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://admission.cpat.gov.in ऑन और बिफोर 15/7/2020। और जो इसमें काउंसलिंग होगी ये 15/7/2020 से पहले होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, जो कमेंसमेंट ऑफ कोर्स स्टार्ट होगा 3 अगस्त 2020 से होगा। और जो कैंडिडेट से सीपैट इंट्रेंस एग्जाम की जानकारी, यहाँ पे मैं कोर्स ऑफर्ड की जो जानकारी वो भी आपको बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग, कोर्स कोड है PGT PPT, ड्यूरेशन है 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर, एज नो एज लिमिट है, एंट्री क्वालिफिकेशन इसके लिए है फुल टाइम 3 ईयर डिग्री इन साइंस, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए साइंस में। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कोर्स सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी एज पर सीपैट एडमिशन प्रोसीजर। फॉर एडमिशन प्लीज अप्लाई थ्रू सीपैट JEE। इसके बाद जो कोर्स है पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विद कैड कैम, कोर्स कोड है PD PMD विद कैड कैम, ड्यूरेशन है 1.5 ईयर 3 सेमेस्टर का है, नो एज लिमिट है, कोई किसी भी एज लिमिट के भर सकते हैं। इसके लिए एंट्री क्वालिफिकेशन है फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, जो एंट्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्लास्टिक पॉलीमर टूल प्रोडक्शन मैकेट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल टूल एंड डाई मेकिंग पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और DPMT DPT सीपैट और इक्विवेलेंट। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कोर्स सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी एज पर सीपैट एडमिशन प्रोसीजर। फॉर एडमिशन प्लीज अप्लाई थ्रू सीपैट JEE। इसके बाद जो कोर्स है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी जिसको कि DPMT कहते हैं, 3 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है इसके लिए, एंट्री क्वालिफिकेशन है फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो DPT कोर्स है। अभी मैं आपको DPMT के बारे में बताया था, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, इसके लिए फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कोर्स, तो इस बार जो कैंडिडेट्स 10th के पेपर दे रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी एज पर सीपैट एडमिशन प्रोसीजर, तो सीपैट एडमिशन प्रोसीजर के अनुसार इसकी सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी है। फॉर एडमिशन प्लीज अप्लाई थ्रू सीपैट JEE के माध्यम से अप्लाई करना है। इसके बाद जो कोर्स है ये है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी DPT, इसका 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर का कोर्स है,
इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, एंट्री क्वालिफिकेशन है फुल टाइम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द कोर्स। जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एंट्री क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए वो भी एलिजिबल हैं। सिलेक्शन एलिजिबिलिटी एज पर सीपैट एडमिशन प्रोसीजर, सीपैट एडमिशन प्रोसीजर के अनुसार सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी है। फॉर एडमिशन प्लीज अप्लाई थ्रू सीपैट जेई, सीपैट जेई के माध्यम से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सिटीज, जो टेस्ट सेंटर है पूरे इंडिया में ये पेपर होता है इसका, जो सिटीज की भी जानकारी देता हूँ। सिटी और स्टेट में गोरखपुर है जो कि यूपी में, लखनऊ यूपी में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, अलाहाबाद यूपी में, कानपुर यूपी में, वाराणसी यूपी, हैदराबाद तेलंगाना, गुवाहाटी असम, भागलपुर बिहार, इम्फाल मणिपुर, भोपाल एमपी मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, आगरा यूपी, पानीपत हरियाणा, सोलन हिमाचल प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब, दिल्ली दिल्ली, ग्वालियर मध्य प्रदेश, पुडुचेरी तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, समस्तीपुर बिहार, देहरादून उत्तराखंड, सूरत गुजरात, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, जलगांव महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र, अगरतला त्रिपुरा, रायपुर छत्तीसगढ़, कोची केरला, रांची झारखंड, कोलकाता वेस्ट बंगाल, सारण बिहार, बालासोर उड़ीसा, सूरजपुर छत्तीसगढ़, मदुरई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरला, मैसूरू कर्नाटका, नरेला दिल्ली, नासिक महाराष्ट्र, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, सिलचर असम, कोरबा छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, गुलबर्गा कर्नाटका, कालीकट केरला, इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, चंद्रपुर महाराष्ट्र, राउरकेला उड़ीसा, लुधियाना पंजाब, जोधपुर राजस्थान, धर्मपुरी तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, असनौल वेस्ट बंगाल, शिलांग मेघालय, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, दिब्रुगढ़ असम, मुरथल हरियाणा, बद्दी हिमाचल प्रदेश, जमशेदपुर झारखंड, बेंगलोर कर्नाटका, अमृतसर पंजाब, उदयपुर राजस्थान, हरिद्वार उत्तराखंड, हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो इन सिटीज़ में इसका इंट्रेंस एग्जाम होगा और इसका जो पेमेंट प्रोसीजर है इसमें ऑल इंडिया सीपैट जेई 2020 अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन पे फॉर सीपैट जेई 2020 एप्लीकेशन इन थ्री वेज, तीन वेज है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, चालान पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। तो इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेथड दे रखे हैं, और यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जरूरी जानकारी थी, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। इसके बाद सीपैट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कोर्सेज होते हैं। अबाउट सीपैट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश इन 1968 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द असिस्टेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 1968 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से। एट चेन्नई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज टू डेवलप मैन पावर इन डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज नो सिमिलर इंस्टीट्यूट वाज इन एग्जिस्टेंस इन द कंट्री। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO सर्व्ड एज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोजेक्ट पीरियड बिटवीन 1968 एंड 1973। द इंस्टीट्यूट अचीव्ड अ टारगेट एनविसेक्ड एंड वाज रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल UNDP प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड। तो इसके बारे में जानकारी है सीपैट की, कैसे इसकी शुरुआत हुई। टुडे सीपैट इज अ प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। आजकल जो आज की तारीख है, आजकल जो सीपैट है ये प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फुल्ली डेवलप टू स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज एकेडमिक एंड रिसर्च इन ऑल द डोमेन्स ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें सभी जो प्लास्टिक डोमेन्स हैं, डिजाइन कैड कैम के CAE, टूलिंग एंड मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सीपैट ऑपरेट्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो अलग अलग लोकेशंस में है ये, कैटरिंग द नीड्स ऑफ पॉलीमर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे अब प्रीमियर, ये जो है ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
पोस्ट इंडिपेंडेंस इट बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाज अ ग्रोइंग साइंस एंड येट देयर वाज नॉट इनफ ह्यूमन रिसोर्स टू मीट द डिमांड। तो जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी ग्रो कर रहा है, पर इसमें जो पर्याप्त मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स नहीं थे। इंपरेटिव नीड वाज फेल्ट टू एस्टेब्लिश सीपैट द यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री एंड इवन टूडे द इंस्टीट्यूट होल्ड्स अ प्रीमियर पोजिशन। तो ये एक यूनिक इंस्टीट्यूट है और अभी भी इसकी प्रीमियर पोजिशन है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीपैट हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री थ्रू अ कंबाइंड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। द इंस्टीट्यूट हैज इवॉल्व थ्रू द ईयर्स क्रिएटिंग क्लोजर टाइज विद इंडिविजुअल विद द इंटेंट टू क्रिएट इनोवेटिव प्लास्टिक बेस्ड सॉल्यूशन विच आर रिसोर्स इफिशियंट एंड मार्केटेबल। दिस हैज लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन। यहाँ पे जो एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स हैं, स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एकेडमिक्स और रिसर्च। कैंपसेज इसके हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट लोकेशन इन चेन्नई, पहला लोकेशन चेन्नई में था, वी नाउ हैव 37 लोकेशन एंड 5 मोर आर इन द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो अभी इसके 37 लोकेशन है पूरे इंडिया में और जो 5 और लोकेशन है वो इस्टेब्लिश होने वाले हैं। एवरी कैंपस ऑफर्स स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज, हर एक कैंपस में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है। टर्निंग आउट एलमनी विद एन इनोवेटिव माइंड सेट एंड इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। अवर कैंपसेज आर वर्कशॉप फॉर इन्वेंटिंग द फ्यूचर। तो ये वर्कशॉप है फ्यूचर को जो इन्वेंट कर रहे हैं। वेयर स्टूडेंट वर्क विद अवार्ड विनिंग फैकल्टी एंड एक्सपर्ट्स टू ट्रांसलेट लर्निंग एंड रिसर्च इन टू एक्शन। तो यहाँ पे सीपैट की जानकारी दी गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सीपैट के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं और जो कैंडिडेट्स सीपैट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।